हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लकी डंडोतिया। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 12th इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन नंबर 20, जिसका नेम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसके ऑथर हैं डॉक्टर आर के नारायण। लिखा गया है 1935 में। एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी बोर्ड इसमें से हर साल 15 मार्क्स का पूछता है। 15 मार्क्स फिक्स हैं इस चैप्टर के लिए। यहाँ पर इस वीडियो में कवर किया गया इस लेसन को मेरे द्वारा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे इसमें लिखा हुआ है। इसी टाइप के पूरे सिलेबस के वन बाय वन चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं या पीडीएफ फाइल में आपको नोट चाहिए, या ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे नीचे वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी हम डिस्कस करते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स के बारे में और इसके ऑथर के बारे में। स्वामी एंड फ्रेंड्स को लिखा है डॉक्टर आर के नारायण ने। ये डॉक्टर आर के नारायण का पिक है। यहाँ पर इनका जो फुल नेम है आर फॉर रासीपुरम, इनके विलेज का नेम है, के फॉर कृष्णा स्वामी इनके फादर का नेम है, और नारायण स्वामी इनका खुद का नाम है। शॉर्ट में लिखते हैं डॉक्टर आर के नारायण। डॉक्टर आर के नारायण एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया है। 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ये भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे हैं। एक रेनोड बहुत जाना पहचाना नाम है ये इंग्लिश नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया के अंदर। जो मेन इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं उनमें डॉक्टर आर के नारायण, राजा राव, मुल्क राज आनंद, अनीता देसाई, ये फेमस इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। उनमें से एक हैं डॉक्टर आर के नारायण। डॉक्टर आर के नारायण के द्वारा लिखे गए जो फेमस नॉवेल्स हैं उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो 1935 में लिखा गया फर्स्ट नॉवेल। वेटिंग फॉर महात्मा, डार्क रूम, बैचलर ऑफ आर्ट्स और गाइड सबसे फेमस नॉवेल है डॉक्टर आर के नारायण के द्वारा लिखा गया। इसके लिए इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता हुआ है 1957 में गाइड नॉवेल के लिए। और इसी नॉवल के बेस पर एक मूवी बनी है जिसका नाम गाइड है, जिसमें लीडिंग एक्टर हैं देवानंद और एक्ट्रेस हैं वहीदा रहमान। उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है बेस्ट स्टोरी राइटर का 1964 में। अभी हम डिस्कस करते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स की भूमिका के बारे में। प्रीफेस। स्वामी एंड फ्रेंड्स फर्स्ट नॉवल है जो लिखा गया आर के नारायण के द्वारा। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह है कि फिक्शनल है। फिक्शनल है मीन्स काल्पनिक है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक इमेजिनरी स्टोरी है, इसके सभी कैरेक्टर्स भी इमेजिनरी हैं। स्टोरी होती है कहाँ पर, ये एक सिटी में, सिटी का नेम है मालगुडी। मालगुडी कहाँ पर है, समवेयर इन साउथ इंडिया नियर चेन्नई। कोई पर्टिकुलर प्लेस फिक्स नहीं है। मालगुडी भी क्या है, ओनली एक क्रिएशन है नारायण की फिक्शन का, नारायण की कल्पना की एक क्रिएशन है। ओरिजिनलिटी में सिटी कहीं नहीं है। ये सिटी केवल पाई जाती है नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डॉक्टर आर के नारायण। डॉक्टर आर के नारायण के जितने भी नॉवेल्स हैं और स्टोरीज़ हैं वो सभी एक ही टाउन में होते हैं। उस टाउन का नाम क्या है, मालगुडी। चाहे गाइड मूवी, गाइड जो नॉवेल है उसकी स्टोरी हो, वेटिंग फॉर महात्मा, डार्क रूम, स्वामी एंड फ्रेंड्स, सभी एक ही टाउन में ये स्टोरीज होती हैं जिसका नाम है मालगुडी। मालगुडी के बारे में समझते हैं। ये डेवलपिंग टाउन है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है ब्रिटिश रूल के अंदर। उस टाइम पर ब्रिटिश शासन था, उसके अंदर एक डेवलप करने वाला छोटा सा टाउन है साउथ इंडिया में, जिसके पास एक बैंक है उस टाउन में, एक पोस्ट ऑफिस है, दो स्कूल हैं। पहला स्कूल है एल्बर्ट मिशन स्कूल और दूसरा स्कूल है बोर्ड हाई स्कूल। एक रिवर है जिसका नाम है सरयू। एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का नेम है मैम्फी फॉरेस्ट। और ऑर्चार्ड है, बाग है, जिसका नाम है नलप्पाज ग्रोव। जो संपूर्ण नॉवेल है उसके अंदर 19 चैप्टर्स में डिवाइडेड है इसकी स्टोरी, लेकिन यहाँ पर 12th क्लास एमपी बोर्ड के सिलेबस में ओनली स्टार्टिंग 9 चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पर ये जो बुक में सिलेबस में स्टार्टिंग 9 चैप्टर्स हैं उनकी स्टडी करेंगे वन बाय वन। अभी समझते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। सो सेंट्रल जो कैरेक्टर है इस स्टोरी में वो कौन है, स्वामीनाथन। स्वामीनाथन का ये पिक आप देख सकते हो। इसी स्वामी एंड फ्रेंड्स के ऊपर दूरदर्शन पर पहले एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था
मालगुडी डेज, उसमें ये लड़का था जिसने स्वामी के कैरेक्टर को प्ले किया था, उसका पिक है ये। स्वामीनाथन की जो भी डिस्क्रिप्शन है उसे मैच करता है ये। स्वामीनाथन एक सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर, नोवेल के अंदर। वो एक टिपिकल इंडियन बॉय है, टिपिकल मीन्स स्पेशल इंडियन बॉय है स्वामीनाथन, जो 10 साल का है, बिलोंग करता है तमिल ब्राह्मण फैमिली को। उसके फादर का नाम है WT श्रीनिवासन, जो एक लॉयर हैं। स्वामीनाथन बहुत वीक है अर्थमैटिक मीन्स अंकगणित, जो लोअर क्लास में कैलकुलेशंस होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीज़न और सब्सट्रैक्ट और ऐड, उनमें बहुत ज़्यादा वीक है, अर्थमैटिक में बहुत कमज़ोर है। रिवर्स और माउंटेन्स नेम से उसका दिमाग पजल हो जाता है, पजल हो जाना माने दिमाग चकरा जाना। वो बहुत आनंदित करता है अपने आप को, प्रैंक्स जो शरारतें होती हैं, मिसचीफ्स होते हैं उनमें बहुत, जो बॉयहुड की जो भी शरारतें उनमें बहुत इन्जॉय करता है स्वामीनाथन। पढ़ता है फर्स्ट ए में, स्कूल का नाम है एल्बर्ट मिशन स्कूल मालगुडी में। उसके 4 फ्रेंड्स हैं अपनी क्लास के अंदर, फर्स्ट है सोमू, देन शंकर, मणि एंड सैमुअल द पी। तो वन बाय वन हम अब इन कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे। सो फर्स्ट फ्रेंड ऑफ स्वामीनाथन है सोमू। सोमू मॉनिटर ऑफ द क्लास है, उसका एक स्पेशल इम्पॉर्टेंस है क्लास के अंदर, सेट अबाउट हिज बिजनेस, मीन्स अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति है वो, और एक बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस और कामनेस, उसका बिहेवियर बहुत काम है, रिलैक्स बिहेवियर है। वो जाना जाता है चूमी, चूमी मीन्स होता है फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंडली है, टीचर्स के साथ भी उसकी बहुत अच्छी पढ़ती है, इसलिए नो टीचर एवर पुट हिम अ क्वेश्चन इन द क्लास, इसलिए क्लास में कभी किसी टीचर ने उसे कोई क्वेश्चन तक नहीं किया। सेकंड फ्रेंड ऑफ स्वामीनाथन है मणि, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। मणि एक सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट है, माइटी शक्तिशाली स्टूडेंट है क्लास के अंदर। वह टॉलेस्ट है सभी स्टूडेंट्स के बीच में, 2 साल से इसी क्लास में फेल हो रहा है, तो सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा टॉल है, सबसे ज़्यादा हेल्दी है इन द केस ऑफ स्टडी, लेकिन पढ़ाई के मामले में ही वॉज गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं है पढ़ने लिखने में। रेयरली ही कभी कोई बुक लेकर आता है, मीन्स कभी कोई बुक लेकर नहीं आता क्लास के अंदर। नेवर बोथर्ड, बोथर्ड मीन्स चिंता करना, कभी उसे होमवर्क की चिंता नहीं होती है कोई। वो बुलीड करता है, बुली माने हड़काना, जैसे चाइना आजकल हमें हड़का रहा है ऐसे इसको क्या बोलते हैं, बोली करना। जो भी स्ट्रेंजर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, जो भी उसके सामने आ जाता है उन सभी को हड़काता है, वो बोली करता है उन सभी को। वो पहनता है कैप, एक एंगल पर तिरछी लगाकर कैप पहनता है, तमिल नोवल रखता है अपने आर्म में लगाकर हमेशा, और वो एक टाइप से ओवरलॉर्ड, एक दादा है क्लास के अंदर। स्वामीनाथन को बहुत प्राउड है कि उसकी मणि के साथ फ्रेंडशिप है। ये देख सकते हो यहाँ पर, ये मणि सबसे टॉलेस्ट है, ये स्वामी से भी बहुत टॉल है, हेल्दी बॉय है। जो थर्ड फ्रेंड है स्वामी का, उसका नाम है शंकर। शंकर सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास है, फर्स्ट रैंकर इन एवरी एग्जाम्स। वो मैनेज करता है हमेशा 90% के बॉर्डर के आसपास हर एग्ज़ाम में स्कोर करना, मैनेज करता है, सॉल्व कर सकता है एनी प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है वो। स्पीक, बात कर सकता है टीचर से इंग्लिश में, जानता है सभी रिवर्स, माउंटेन्स, कंट्रीज, वर्ल्ड के अंदर उन सभी के नेम्स याद है उसे। रिपीट कर सकता है हिस्ट्री का कोई भी इवेंट अपनी स्लीप में, मीन्स हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है उसकी। ग्रामर उसके लिए बच्चों जैसा खेल है, मीन्स बहुत हैंडी है वो ग्रामर में, ग्रामर भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लास में एक ऐसा विश्वास है स्टूडेंट्स के बीच में, जब शंकर टीचर से क्रॉस क्वेश्चंस स्टार्ट करता है तो टीचर क्लास छोड़कर भाग जाता है। वो उसकी टीचर के अंदर इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो शंकर को फेस कर सके। ही केम टू द क्लास, वो क्लास में आता है, कैसे आता है, हेयर ब्रेडेड, ब्रेड माने होता है बालों की लट, जैसे ये शंकर का फेस है तो पीछे जो यहाँ पर एक इसके बाल चोटियाँ जैसी है, बालों की लट है, वो लट इस टाइप से लट है शंकर की, उसमें वो फ्लावर्स लगाता है, फूल लगाता है। स्वामी को बहुत प्लीजेंट फील होता है उसकी, शंकर की कंपनी में। लास्ट फ्रेंड ऑफ स्वामीनाथन है सैमुअल द
पी। सैमुअल ये लड़का है, सैमुअल। सैमुअल एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, एक सामान्य स्टूडेंट है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। देयर वॉज नथिंग आउटस्टैंडिंग अबाउट हिम, कोई भी आउटस्टैंडिंग स्पेशलिटी नहीं है उसके बारे में। उसके पास ना तो वर्च्यू मीन्स क्वालिटी है मसल्स की, ना तो वो मसल से पावरफुल है, और ना ही इंटेलेक्ट, ना ही उसका मेंटली पावरफुल है। वो जाना जाता है पी के नाम से। पी मीन्स मटर। क्लास में सबसे छोटा साइज है, अकाउंट ऑफ हिज साइज, उसका साइज हाइट क्लास में सबसे कम है। ये देखो छोटा मासूम सा फेस है, बिल्कुल बच्चे जैसा। तो उसे बच्चों ने नाम रख दिया, निकनेम दे दिया उसे, सैमुअल द पी, मटर के नाम से बच्चों से बुलाते हैं। वो ही वॉज एज बैड इन अर्थमेटिक एज स्वामीनाथन वॉज। जितना स्वामीनाथन कमज़ोर है अर्थमेटिक में, अंक गणित में, उतना ही सैमुअल भी है। वो स्वामीनाथन की तरह ही एप्रीहेंसिव है। एप्रीहेंसिव माने होता है डरा हुआ, वीक है, कमज़ोर है, कमज़ोर स्टूडेंट है, और नर्वस रहता है हमेशा क्लास के अंदर, जैसे कि स्वामीनाथन रहता है। दोनों ही जो स्वामी और सैमुअल हैं, दोनों को देखा जा सकता है सेम काइंड ऑफ फुलिश, जो बेवकूफ़ी भरे काम होते हैं, और इलॉजिकल जो बेतुके एक्टिविटीज़ हैं क्लास के अंदर, उनमें दोनों को अक्सर साथ साथ क्लास में पाया जाता है इन्वॉल्व, स्वामी को सैमुअल को। जो लाफ्टर है, हंसी मजाक है, वो दोनों ही के बीच का एक बॉन्ड है, इसलिए दोनों अक्सर साथ साथ पास बैठते हैं क्लास में, लास्ट बेंचर है दोनों क्लास के अंदर। आगे जो चैप्टर्स हैं इसके 1 to 9 तक, उसके 1 by 1 मैं इसी टाइप के वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा आपको। आप मेरे मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है फर्स्ट वाले पेज पर, वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने करेक्टर्स और इसकी पूरी भूमिका के बारे में समझाया है। जो स्टोरीज़ है मंडे मॉर्निंग से लेकर लास्ट चैप्टर है स्कूल ब्रेकअप, वहाँ तक 1 by 1 वीडियोज़ आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा। आप मुझे मेरे नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।